नमस्कार दोस्तों, आज हमारा फिनिप्टी का एक्सपायरी है, तो अभी यहाँ पे हम समझते हैं कि अभी के हिसाब से यहाँ पे कैसे ट्रेड हो रहा है। अगर याद है तो आपको मैंने डेली चार्ट पे समझाया था कि 20,198 एक हमारा रेजिस्टेंस है, तो उसी के आसपास हमें यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस फेस करने को देखने को मिल रहा है। बेरिश इंगल्फिंग बना हुआ है, तो अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है तो 20,200 का जो कॉल है वो आइडियल है शॉर्ट करने के लिए। मैंने मेरे ग्रुप में बताया है, शॉर्ट आप कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गया है। अगर मार्केट यहाँ से फिसलता है और ये लेवल को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे इस लेवल तक पहले आते हुए देखेगा 20,100। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है तो आप यहाँ जब आते हो तो 20,100 का पुट भी शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर आपका ये सपोर्ट का काम करेगा। जो यहाँ पे पैनिक आएगा वो इस लेवल के नीचे आएगा, 20,050 के नीचे एक पैनिक आएगा जो 100 फॉल आपको यहाँ पे क्विकली दे सकता है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। अगर स्टॉक आप पुट की बात करें तो इसमें ध्यान में रखना है आपको ये वाला 20,200 का पुट है, उसको आपको लेवल जो ध्यान में रखना है वो है, पहला लेवल आएगा 69 एंड 76। अच्छा, आपका यहाँ पे सेफ ट्रेड लेना है तो 76 के ऊपर जब सस्टेन करता है आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। मेरा जो ट्रेड है, मैं आज के जो एंड ऑफ द डे वीडियो बताता हूँ मैं उसमें आपको बता दूंगा कि वहाँ पे मेरा क्या ट्रेड रहा है। मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट किया है 20,100 का कॉल, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लेवल तक आना चाहिए। मेरा जो शॉर्ट है 106 के लेवल पे है, मेरे पास 20,200 का ओपन है जो हमने 32 के आसपास किया था, मैंने थोड़ा इसमें ऐड किया है 40 के आसपास। तो ये मेरा यहाँ पे ओपन पोजीशन है पुट के लिए, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे लेवल एक्टिवेट होता है मैं पुट में बाय एंट्री करूँगा। आज अदानी का भी यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, कोर्ट में आज हियरिंग है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। 24, 28 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है अभी। पर अगर यहाँ पे कोई भी रीजन से डिप आता है और वापस ये 2390 को ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा सा फॉल देखने को मिल सकता है। जहाँ पे आप देखोगे अभी क्या है, ये ट्रेंड लाइन को ही आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये लेवल के नीचे आएगा तो आपको जो ध्यान में रखना है यहाँ पे, इसके नीचे आपको वापस एक फॉल देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो। लॉन्ग के लिए ध्यान में रखना, ये जब तक लेवल ऊपर है तब तक आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा यहाँ पे नीचे ट्रेड आ सकता है। यहाँ पे स्ट्रेडल अगर देखते हैं, अभी जिस हिसाब से हमारा चार्ट बन रहा है फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी का पहले लेते हैं तो अभी ये है 20,200 का स्ट्रेडल। यहाँ पे देखेंगे तो अभी कंटिन्यू उसी जोन के अंदर चल रहा है। आइडियल कब होगा, जब ये लेवल के ऊपर निकलेगा जो है टोटल होगा 103। जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा 103 के ऊपर होगा उस साइड आपको लेना है, काफ़ी अच्छा सा ऊपर की साइड वो जगह खुला हुआ है, 50 यानी 100 पॉइंट यहाँ पे ओपन है आपके लिए। मैं जो पुट की बात कर रहा था आपको, मैं उसका भी चार्ट आपको बता देता हूँ। तो पुट के चार्ट में हम यहाँ पे जाएंगे और स्ट्राइक पुट लेंगे हम। ओके, तो आज का ये यहाँ पे 20,200 का पुट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, जो अभी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। जो मैंने अभी आपको लेवल बताया वो यहाँ पे आएगा, इस लेवल के ऊपर हमें सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हमने काफ़ी अच्छा सा एक ओआई बिल्डअप होते हुए देखा है। तो ये लेवल के आसपास इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो जब जैसे ही ये एग्जिट होगा फर्स्ट ही इनको स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वो होगा 81 के आसपास। तो यहाँ से फिर कंटिन्यूशन जा सकता है। तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है 95 हो रहा है एंड फिर 122, ये लेवल तक यहाँ पे गैप है, तो यहाँ तक तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड करना, जैसे ये लेवल एक्टिवेट होता है उसके ऊपर बाय करना, और कुछ भी यहाँ पे चेंज होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। और मेरा जो ट्रेड है, जो एग्जीक्यूशन मैंने किया है उसको यहाँ पे मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कंसोलिडेशन, ये हमारा मेक और ब्रेक है, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो ये फेक ब्रेकआउट होगा और वहाँ से क्विकली एक बार नीचे आ सकता है। तो देखते हैं आगे यहाँ पे कैसे ट्रेड होता है। तो दोस्तों बने रहना इस चैनल पे, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।